निकल अल्ट्रा चैनल के सारे सब्सक्राइबर का नमस्कार और व्यूअर्स को स्वागत है। तो दोस्तों आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कैसे आप किसी भी फेसबुक अकाउंट का प्राइमरी मेल और प्राइमरी नंबर चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने अकाउंट में प्राइमरी ईमेल एड्रेस चेंज करके एक नया ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं ताकि आपका अकाउंट कन्फर्म एंट्री में ना जाए। ठीक है, अक्सर होती है कि हम में से काफ़ी सारे भाई या फिर कोई मतलब हमारा रिश्तेदार जब कोई भी फ्री फायर आईडी परचेस करती है, करने के बाद जब भी वो आईडी में आके अपना नंबर और अपना मेल ऐड करने के लिए ट्राई करती है, करने के बाद ऑटोमेटिक क्या होती है, अकाउंट CVV में चला जाती है। ठीक है, हमारे पास कोई आईडी प्रूफ ना होने के कारण अकाउंट जो है ना अकाउंट ओपन भी नहीं होती। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप मतलब हमारा फेसबुक अकाउंट में आप कोई भी ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मतलब प्राइमरी ईमेल एड्रेस चेंज करके कोई भी ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं ताकि अकाउंट कन्फर्म एंट्री में ना जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने अकाउंट में आके सेटिंग मतलब ऑफिशियल एप्लीकेशन में आके सेटिंग में जाके यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर आप यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके यहाँ से अगर अपना अकाउंट का नंबर वगैरह चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक अकाउंट क्या होती है, अकाउंट सिक्योरिटी अकाउंट या फिर कन्फर्म एंट्री में चला जाती है, जिसके थ्रू अकाउंट में मतलब काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट का कोई भी नंबर मेल रिमूव करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना FB लाइट ओपन कर लेना होगा, आपको सिंपली फेसबुक लाइट डाउनलोड कर लेना होगा। करने के बाद सिंपली आपको जिस अकाउंट का भी मतलब नंबर मेल चेंज करना होगा इस अकाउंट का प्रोफाइल ओपन कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने में मिल जाएगा एडिट पब्लिक डिटेल्स। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर एडिट पब्लिक डिटेल्स में क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों आप लोग जैसे एडिट पब्लिक डिटेल्स में क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने में मिल जाएगा एडिट योर अबाउट इन्फो। तो आपको सिंपली एडिट योर अबाउट इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर लेना होगा। आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से अपना अबाउट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको करना क्या होगा, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना होगा। आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने में मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट इन्फो। कॉन्ट्रैक्ट इन्फो में आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर और आपका जो अकाउंट में जो मेल ऐड है इस मेल यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, आपका अकाउंट का फोन नंबर और मेल शो हो जाएगा। इस अकाउंट में कोई भी मेल ऐड करने के लिए आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, अकाउंट कन्फर्म एंट्री में मतलब नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मेल के बगल में एक पेन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पेन का ऑप्शन में क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप कैसे प्राइमरी मेल मतलब कोई भी मेल ऐड करके मेल को प्राइमरी मेल कर सकते हैं और आपका प्राइमरी मेल को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपली आप पेन आइकॉन में क्लिक करिए, क्लिक करने पर कुछ इस तरह से अपना जो मेल है ना मेल कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या होगा, वो जो मेल है ना इस मेल को आपको रिमूव कर देना होगा। ठीक है, मैं सिंपली मेरा इस मेल को रिमूव कर देता हूँ, वो पहले का मेल है। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप जो नया मेल ऐड करना चाहते हैं इस नया मेल को यहाँ पर टाइप कर लेना होगा कुछ इस तरह से। दोस्तों मेरे पास इतने सारे मेल अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं स्पैम बॉक्स से एक मेल यूज़ कर रहा हूँ। आप अपना रियल मेल यूज़ करना ताकि अकाउंट कुछ भी मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए मैं हमको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर अपना रियल मेल यूज़ करना। ठीक है, मैं सिंपली स्पैम बॉक्स में आके एक मेल कॉपी कर लिया, करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ या फिर टाइप कर देता हूँ। आप लोग सिंपली यहाँ पर अपना मेल को टाइप कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डन का, तो आपको सिंपली यहाँ पर आके डन में क्लिक कर लेना होगा। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फर्म के लिए आपका फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर लेना होगा। आपका फेसबुक का जो पासवर्ड है इस पासवर्ड को एक एक करके यहाँ पर सिंपली टाइप कर लेना होगा। ठीक है, तो मैं सिंपली मेरे अकाउंट का पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैं मतलब थोड़ा सा मेरा पासवर्ड को हाइड कर लेता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अपना पासवर्ड मतलब सही पासवर्ड टाइप कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन देखने में मिल जाएगा कन्फर्म का पासवर्ड का नीचे में, आपको सिंपली यहाँ पर आके कन्फर्म में क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों आप लोग जैसे कन्फर्म में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर सेंडिंग मेल का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली पर ओके में क्लिक कर देंगे। करने के बाद आपके मतलब आपका अकाउंट में मेल ऐड हो गया, तो चलिए मेल को हम लोग अभी जाके मेल को कन्फर्म कर लेता हूँ। उसके लिए सिंपली आपको आ जाना होगा आपका अकाउंट का सेटिंग में, सेटिंग तो सिंपली अकाउंट का सेटिंग ओपन कर लेना होगा। सेटिंग ओपन करने के बाद सिंपली आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको सिंपली यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके इसे ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ईमेल एड्रेस का, और ईमेल एड्रेस के बगल में एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली बार एडिट में क्लिक कर लेना होगा। करने के बाद आपने अकाउंट में जो मेल ऐड किया है और जो मेल प्राइमरी है वो शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बार जो मेल है ना इस मेल हमने अभी ऐड किया था, इस मेल के देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो कन्फर्म ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली कन्फर्म ईमेल एड्रेस में क्लिक कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस में एक 6 डिजिट का एक OTP सेंड होगा, इस OTP को यहाँ पर टाइप कर लेना होगा। ठीक है, तो मैं सिंपली मेरा ईमेल एड्रेस में जाकर चेक करता हूँ कोई OTP आया है या फिर नहीं, आपके सामने कर रहा हूँ और लाइव प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास मतलब हमारे ईमेल में एक OTP आ गया है, तो सिंपली मैं OTP को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए ये वाला OTP है 5 डिजिट का आ गया,
तो सिंपली आपको ओटीपी कॉपी कर लेना होगा। करने के बाद सिंपली आ जाना होगा आपको इस पेज में। आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कन्फर्म मेल में जाकर ओटीपी को पेस्ट कर लेना होगा। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, आप जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे आपका जो ईमेल एड्रेस जो है ना आपका फेसबुक अकाउंट में कम्प्लीटली ऐड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और अपना अकाउंट कन्फर्म वारंटी में नहीं जाएगा। ठीक है यहाँ पर मैं आपको शो करवा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए जैसे एडिट में क्लिक करूँगा यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरा जो ईमेल एड्रेस अभी अभी टाइप किया था वो ईमेल एड्रेस ऐड हो गया, लेकिन वो ईमेल एड्रेस अभी तक प्राइमरी नहीं हुआ और पहले वाला ईमेल ही मेरा प्राइमरी है। ठीक है तो अभी आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको मतलब जो ईमेल एड्रेस अभी ऐड किया हो इस ईमेल एड्रेस को मैं प्राइमरी करके दिखा दूँगा और प्राइमरी मेल को मैं आपको रिमूव मतलब कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना प्राइमरी मेल को रिमूव करने के लिए किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। आप लोग क्रोम ब्राउजर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है मैं सिंपली बी ब्राउजर का यूज़ कर रहा हूँ। करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना होगा। करने के बाद आपको टाइप कर लेना होगा facebook.com। ठीक है यहाँ पर उससे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पर एक थ्री लाइन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको थ्री लाइन में क्लिक करके सिंपली डेस्कटॉप सर्च इनेबल कर लेना होगा। ठीक है अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर से कर रहे हो तो यहाँ पर भी डेस्कटॉप सर्च इनेबल कर लेना होगा। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कर लेना होगा www.facebook.com। ठीक है दोस्तों आपको यहाँ पर www टाइप कर लेना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगा। ठीक है तो करने के बाद सिंपली आपको कुछ इस तरह से टाइप कर लेना होगा। करने के बाद सिंपली आपको सर्च में क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों आप लोग जैसे facebook.com ओपन करेंगे तो आपका मतलब आपका फ़ोन में कुछ कंप्यूटर की तरह आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से अपना फेसबुक अपना जो अकाउंट में अपना मतलब आपका मेल को मतलब प्राइमरी मेल को चेंज करना चाहते हो इस अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। कुछ इस तरह से अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए राइट साइड में एक एरो की तरह एक ऑप्शन आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े। तो आपको सिंपली एरो में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग एंड प्राइवेसी दूसरे नंबर का। आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक करके सिंपली आपका अकाउंट का जो है ना सेटिंग ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों आप लोग जैसे सेटिंग ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बार जो एक ऑप्शन आ रहा है वो जनरल में आपका नेम यूज़र नेम आपका जो है ना आपका कॉन्टैक्ट इन्फो सब कुछ शो हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फो में यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब जूम करके यहाँ पर दोस्तों देखिए आपने जो मतलब पहले जो मेल ऐड किया था वो शो हो जाएगा और अभी अभी जो मेल ऐड किया है वो शो हो जाएगा। ठीक है इस मेल को प्राइमरी मेल करने के लिए यहाँ पर दोस्तों देखिए वो वाला मेल मैंने अभी अभी ऐड किया था और वो मेल को प्राइमरी मेल करने के लिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मेक प्राइमरी। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। करने के लिए कंफर्म मतलब करने के बाद कंफर्म के लिए यहाँ पर अपना अकाउंट का पासवर्ड टाइप कर लेना होगा। तो मैं सिंपली मेरे अकाउंट का पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ आपके सामने। अपना अकाउंट का पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन देखने में मिल जाएगा कंफर्म। तो आपको सिंपली क्लिक कर लेना होगा। करने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो ईमेल एड्रेस है ना वो प्राइमरी ईमेल एड्रेस हो जाएगा। तो आपको सिंपली एक बार रिप्लेस कर लेना होगा। करने के बाद यहाँ पर आप देखिए 100% आपका जो मतलब प्राइमरी ईमेल एड्रेस है ना हमने अभी जो मेल ऐड किया वो मेरा प्राइमरी ईमेल एड्रेस हो गया और आप देख लीजिए पहले का जो ईमेल एड्रेस है वो कंफर्म ईमेल एड्रेस हो गया। ठीक है तो अगर आप चाहते हो तो ऐसे क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस को रिमूव कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाके मैं आपको शो कर पाया तो फेसबुक का एप्लीकेशन में जाके या मैं सिंपली अकाउंट का सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक करके सेटिंग ओपन करके मैं आपको दिखाया था अकाउंट में जो प्राइमरी मेल चेंज किया अभी। यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले का मैं जैसे कॉन्टैक्ट इन्फो में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखिए वो मतलब वो जो मेल है ना अभी ऐड हो चुका है कम्प्लीटली और वो मेल प्राइमरी मेल हो चुका है। तो मैं एफ बी लाइव पर जाकर देखा है तो आपका जो मतलब प्राइमरी मेल चेंज हो चुका है आप लोग पहले देखा होगा मतलब सॉरी। तो आपको सिंपली एफ बी लाइट में आ जाना होगा और यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले वाला प्राइमरी मेल था लेकिन अभी हमने चेंज कर लिया। तो मैं सिंपली एक बार बैक करके रिप्लेस करके फिर से यहाँ पर प्राइमरी मेल में क्लिक कर मतलब देखिए जो है ना हमारा जो मेल जो है ना प्राइमरी मेल हो चुका है। देख लीजिए पहले का जो मेल है ना वो कन्फर्म मेल हो चुका है और हमारा जो मेल है ना वो अभी जो मेल ऐड किया वो मेल कुछ इस तरह से प्राइमरी मेल हो चुका है। ठीक है आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिमूव में क्लिक करके अपने पहले का मेल रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों आप लोग चाहो तो कुछ इस तरह से अपने किसी भी फेसबुक अकाउंट में विदाउट कन्फर्म योर आईडेंटिटी में आपको कोई भी अपना मेल और नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि नंबर ऐड करें नंबर भी आपको सेम तरीके से ऐड करना होगा फिर भी आपको दिक्कत आती है तो इस टॉपिक पर आपको मेरे चैनल में एक वीडियो मिल जाएगा आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है सो आज के वीडियो इतने ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा या फिर हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को कर देना एक लाइक। अगर आपने हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह का कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। सो आज के लिए इतने, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।